हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस के बारे में। इग्नू के डिफरेंट आरसीज की तरफ से, रीजनल सेंटर्स की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनके बारे में एक एक करके कवर करेंगे। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करने वाले हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। हो सकता है कि आपके आरसी की तरफ से अभी तक गाइडलाइन जारी नहीं की गई होंगी, लेकिन आपके रीजनल सेंटर की तरफ से भी कुछ इसी टाइप की ही गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। और साथ ही बात करेंगे आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए लास्ट डेट कब तक एक्सटेंड हो सकती है। एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों नोएडा रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। नोएडा रीजनल सेंटर की तरफ से सबसे पहले असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी टाइम पे मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी। नोएडा रीजनल सेंटर की तरफ से कोई भी ऐसी हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई। क्लियरली यहाँ पर बताया गया था कि आप सभी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने हैं, और आपको जिस गूगल फॉर्म के जरिए अपने असाइनमेंट जमा करवाने हैं उस टाइम पे आपको अपनी सभी पीडीएफ एक ही बार में अपलोड कर देनी है। साथ ही आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए बाय पोस्ट, ईमेल या फिर हार्ड कॉपी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपके जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। आपको सिंपली आपका जो भी स्टडी सेंटर है उसका गूगल फॉर्म ओपन कर लेना है और वहाँ पर अपने असाइनमेंट्स की पीडीएफ को सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपकी गाइडलाइंस में कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि आपको अपने असाइनमेंट के हर पेज में टॉप में या फिर बॉटम में अपने एनरोलमेंट नंबर लिखने हैं या अपना साइन करना है, इस टाइप की कोई भी जानकारी नहीं दी गई। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप में से जो भी स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स बनाने के लिए प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन पीडीएफ मुझसे परचेज कर सकते हैं। अभी बात करते हैं नेक्स्ट रीजनल सेंटर, जो कि है जोधपुर आरसी। जोधपुर रीजनल सेंटर की तरफ से भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई, और यहाँ पे गूगल फॉर्म के जरिए आपके असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी नहीं की गई, आपका जो गूगल फॉर्म है उसी में पूरी गाइडलाइंस दे दी गई। और यहाँ पर भी कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि आपको अपने असाइनमेंट के हर पेज पे साइन करना है या फिर अपने एनरोलमेंट नंबर मेंशन करने हैं। यहाँ पे सिंपली आपको बताया गया है कि आपके असाइनमेंट्स को ईमेल के जरिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको अपने असाइनमेंट गूगल फॉर्म के जरिए ही जमा करने होंगे। आपके जितने भी असाइनमेंट हैं उनके लिए आपको अलग अलग फिर से गूगल फॉर्म फिलअप करना होगा। हर एक असाइनमेंट के लिए आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, उसके बाद में आपको वो पीडीएफ अपलोड कर देनी है। दोस्तों, यहाँ पे भी आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए जो मैक्सिमम साइज़ रहेगा पीडीएफ का वो 10 MB दिया हुआ है। नोएडा आरसी के स्टूडेंट्स के लिए भी 10 MB का मैक्सिमम साइज़ दिया गया है। साथ ही यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म के जरिए अपने असाइनमेंट किस तरीके से जमा करने हैं इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई। आपके असाइनमेंट सबमिशन के टाइम पर जो आप अपना पीडीएफ फाइल नेम रखेंगे उसके लिए एक यूनिक पैटर्न दिया गया है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, नाम के बाद में आपके इनरोलमेंट नंबर, और उसके बाद में आपका कोर्स कोड दिया जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश में पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे यही गाइडलाइंस हिंदी में भी दे दी गई है। आप इन्हें पढ़ के और अपने असाइनमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने असाइनमेंट्स गूगल फॉर्म के जरिए किस तरीके से जमा करने हैं इसके लिए मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूं। आप इस वीडियो को देखकर अपने असाइनमेंट्स को इजीली जमा करवा पाएंगे। अगर आपके असाइनमेंट की पीडीएफ की साइज़ ज़्यादा हो जाती है 10 MB से, तो उसे किस तरीके से कम करना है या आपको अपने असाइनमेंट की पीडीएफ किस तरीके से बनानी है इसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको पूरी हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन का यूज़ किया गया है वो एक फ्री एप्लीकेशन है। स्टार्टिंग में वो आपको वहाँ पे प्रीमियम चार्जेस शो करेंगे, लेकिन आप 5 से 7 सेकंड का वेट कीजिए, उसके बाद में वो उसे क्रॉस करने का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, और वहाँ से आप उसे क्लोज करके और अपनी पीडीएफ इजीली बना पाएंगे। अभी बात करते हैं नेक्स्ट जो रीजनल सेंटर है, दिल्ली 2 रीजनल सेंटर। दोस्तों, दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से भी आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई, लेकिन यहाँ पे आपकी गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको अपने असाइनमेंट के हर पेज पे टॉप में या फिर बॉटम में अपने साइन करने होंगे। आपको अपने असाइनमेंट सिंपली बनाने हैं, उसके बाद में आप पेज के टॉप में या फिर बॉटम में अपने साइन कर देंगे, और उसके बाद में आपको उसे
स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आप उन्हें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों आपके काफ़ी ऐसे स्टडी सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से आपके असाइनमेंट्स को बाय हैंड मतलब हार्ड कॉपी में एक्सेप्ट किया जाएगा, और काफ़ी ऐसे स्टडी सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से आपको अपने असाइनमेंट ईमेल या फिर गूगल फॉर्म के जरिए जमा करने होंगे। यहाँ पे आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए 30 सितंबर की लास्ट डेट दी गई है, लेकिन आपको इसके लिए कोई भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को 31 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे आपकी पीडीएफ का नाम क्या रहेगा उसके लिए भी अलग से यूनिक फॉर्मेट दिया गया है। सिंपली आपको अपने इनरोलमेंट नंबर मेंशन करने हैं और उसके बाद में आपका अपना कोर्स कोड यहाँ पे मेंशन कर देना है। सो आपके जो अलग अलग स्टडी सेंटर्स हैं उनकी तरफ से क्या गाइडलाइंस दी गई है, कौन सा तरीका है जिससे आप अपने असाइनमेंट सबमिट करवा पाएंगे, इसे आप अभी देख सकते हैं। जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स 0708 स्टडी सेंटर के हैं, आप अपने असाइनमेंट या तो इस ईमेल आईडी के जरिए जमा कर सकते हैं या फिर आप अपने असाइनमेंट की हार्ड कॉपी बाय हैंड अपने स्टडी सेंटर में भी जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टडी सेंटर है 0712, इसके लिए अभी तक कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं की गई, इसे जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा। जो नेक्स्ट स्टडी सेंटर है 0725P, इसके लिए आप सिर्फ ऑनलाइन ईमेल के जरिए अपने असाइनमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप अपने असाइनमेंट के लिए आपके स्टडी सेंटर की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उन्हें एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये कुछ स्टडी सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ पे दे दिया गया, आप अपने असाइनमेंट्स गूगल फॉर्म के जरिए भी जमा करवा पाएंगे। इस तरीके से आपके जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं उन सभी को यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में कवर कर दिया गया। अभी बात करते हैं नेक्स्ट रीजनल सेंटर के गाइडलाइंस के बारे में, जो कि है दिल्ली 3 रीजनल सेंटर। दोस्तों दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी के लिए भी असाइनमेंट की गाइडलाइंस जारी कर दी गई। यहाँ पे आपके लिए अलग से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है और साथ में आपको बताया गया है कि आपके स्टडी सेंटर्स की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी गई है आपको उन्हीं को फॉलो करते हुए अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर देना है। साथ ही यहाँ पे आपके असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड आपके अगर कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी FAQs हैं, तो आप उनके लिए भी इसे चेक कर सकते हैं। और फोर्थ लिंक दिया गया है आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स के लिए। सो दोस्तों ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टाइम पे हमारे इसी चैनल पे मिलती रहती है या फिर आप इन्हें इन लिंक्स के जरिए भी चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि आप अगर अपने असाइनमेंट की हार्ड कॉपी जमा करवाना चाहते हैं तो अगर आपके स्टडी सेंटर वाले हार्ड कॉपी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप हार्ड कॉपी भी जमा करवा सकते हैं। और आपको अपने असाइनमेंट्स के सॉफ्ट कॉपी को दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की जो ईमेल आईडी है वहाँ पे जमा नहीं करना है। आपके स्टडी सेंटर्स की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी गई है अभी उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो कॉमन गाइडलाइंस दी गई है उन्हें आप एक बार चेक कर सकते हैं। दिल्ली 3 RC की तरफ से हर बार इसी टाइप की गाइडलाइंस जारी की जाती हैं और ये सबसे अलग टाइप की गाइडलाइंस है, क्योंकि अभी तक आपने देखा किसी भी RC की तरफ से इस टाइप की गाइडलाइन जारी नहीं की गई कि आपको अपने असाइनमेंट के फर्स्ट पेज या फिर सेकंड पेज में अपना इग्नू आईडी कार्ड भी अटैच करना होगा। यहाँ पे क्लियरली पॉइंट नंबर 3 में मेंशन कर दिया गया कि आपको अपने हैंड रिटन असाइनमेंट्स के साथ में अपना इग्नू आईडी कार्ड का एक स्कैन कॉपी भी लगाना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे अगर ऑनलाइन अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं तो उसके लिए फाइल नेम जो रहेगा उसके लिए आपको अपने इनरोलमेंट नंबर और अपना कोर्स कोड साथ में मेंशन करना होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि आपको अपने असाइनमेंट्स की हार्ड कॉपी अपने पास में सेफ रखनी है। अगर आपके RC की तरफ से या आपके स्टडी सेंटर की तरफ से फ्यूचर में आपकी हार्ड कॉपी को मंगवाया जाता है तो आपको उसे जमा करवाना होगा। साथ ही यहाँ पे जब आप अपने असाइनमेंट गूगल फॉर्म के जरिए या फिर ईमेल के जरिए जमा करेंगे तो जो उसकी सेंट रिपोर्ट रहेगी वही आपकी असाइनमेंट सबमिशन स्लिप का काम करेगी। अभी देख लेते हैं कि आपके अलग अलग स्टडी सेंटर्स की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि सबसे पहले 0709 आर्यभट्टा कॉलेज, इसकी तरफ से गूगल फॉर्म जारी कर दिया गया। इसी तरीके से आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, इसके लिए भी गूगल फॉर्म जारी कर दिया गया। दोस्तों किसी की तरफ से ईमेल आईडी दी गई है और किसी की तरफ से गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया गया, लेकिन आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्टडी सेंटर कोड यहाँ पे नहीं दिया हुआ। सो आप इसके लिए परेशान ना हो और इसी नोटिफिकेशन के लास्ट पेज में आ जाइए। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 38013, 38026, 07108, 07109,
380-35-380-40, ये चार पांच ऐसे स्टडी सेंटर्स हैं जिन्हें इग्नू की तरफ से बंद कर दिया गया, और इनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने असाइनमेंट्स कहाँ पे सबमिट करने हैं उसकी जानकारी भी यहीं पे दे दी गई। जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स बीए प्रोग्राम के हैं, अगर आपका स्टडी सेंटर कोड है 38013 तो आपको अपने असाइनमेंट 38038 स्टडी सेंटर पे सबमिट करने होंगे। इसी तरीके से सभी प्रोग्राम्स के स्टूडेंट जो भी हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे दी गई। जैसे कि बीए वालों के लिए 38038 तो आपको वहाँ पे जाके चेक करना है कि 38038 जो स्टडी सेंटर है उसकी जो गाइडलाइन जारी की गई है उनको फॉलो करते हुए आपको अपने असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं। इसी तरीके से बाकी सभी प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग स्टडी सेंटर्स दिए हुए हैं, आपको आपके जो स्टडी सेंटर के सामने जो भी गाइडलाइंस दी गई है उनको फॉलो कर लेना है। इसके बाद में आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके कुछ भी कन्फ्यूजन्स होंगे, सो आपके कन्फ्यूजन्स के लिए भी यहाँ पे FAQs दिए हुए हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के लिए भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, सो आप चाहें तो इसे भी चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में आपके जो भी RCs हैं जिनकी तरफ से जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनको सभी को मैंने कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आपको अगर अपने असाइनमेंट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।